Hello student, today in continuation of partnership account, I am going to discuss again an important topic of this chapter, that is past adjustment entry. This is very important topic from examination point of view for all of you. So keep watching this video at the end of this video. Now let us start the topic, past adjustment. The concept of past adjustment is that after closing the books of account and preparation of financial statement, partnership firm, some errors or omission in the accounts of the earlier years are found. Dear student, jab year close ho jata hai और बुक्स ऑफ अकाउंट भी बना करके क्लोज कर दिया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए जाते हैं, इसके बाद जो करंट ईयर चल रहा है उसमें ये पता चलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एरर हो गए हैं प्रीवियस ईयर के, या कुछ एंट्री छूट गई हैं. तो व्हेन दीज एरर्स आर फाउंड, तो दीज एरर्स रिक्वायर टू बी रेक्टिफाइड. जो एरर का पता चला ये ज़रूरी है कि इनको रेक्टिफाई किया जाए और एडजस्टेड इन करंट ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. This is known as past adjustment, and the entry which is passed to adjust this past error in current year books of account is known as past adjustment entry. ध्यान देंगे students, ये error past में हुआ होता है, that's why it is called past errors. Error का nature क्या होगा? Error of omission हो सकता है या कोई entry का गलत हो जाना, मीन्स एरर आप कमीशन टाइप का हो सकता है, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम या ज़्यादा दे दिया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो इनको करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट करना होता है. ये जो एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं, दैट एंट्री इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री. नाउ एरर का नेचर क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ नेचर आर देयर इन पास्ट एडजस्टमेंट. एरर ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर. पार्टनर को जैसे पार्टनरशिप डीड में कहा गया था कि इंटरेस्ट देना है लेकिन भूल गए, नहीं दिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर इज अलाउड हायर रेट और लोअर रेट, कम या ज़्यादा रेट दे दिया गया, इस तरह के एरर हो सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट हो गया. ओमिशन ऑफ सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, जो सैलरी देना था वो नहीं दिए या कमीशन देना था वो छूट गया. प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, इस तरह के एरर हो सकते हैं. और इसके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए पूछा जाता है. अब इस तरह की एंट्री को करने के लिए एक बहुत आसान सा टेबल बना रहे हैं जिसको आप ध्यान से समझेंगे. सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है, तो यहाँ पर आपको जो भी ट्रांजेक्शन छूटता है उसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. एक पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और दूसरा फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. जो छूट गई उस एंट्री को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता है. इस टेबल में हम क्रेडिट शो करेंगे. अब जितने पार्टनर होंगे उनका इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे. जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं थ्री पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर वन टू एंड थ्री. इसके बाद अगर दो पार्टनर हैं तो ओनली टू कॉलम बनाएंगे, और लास्ट कॉलम जो होगा टोटल का, या इसको फॉर्म का भी कॉलम कहते हैं. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना उनकी कैपिटल पर छूट गया है कैलकुलेट करके इस टेबल में शो कर देंगे, और फिर इन तीनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा. जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको हम देंगे तो फॉर्म में लॉस बढ़ जाएगा, इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा. तो इसके लिए हम लिखेंगे लॉस रुपीज़, जो भी अमाउंट आएगा, डेबिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, और ये होगा पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेबिट होगा उनके अकाउंट में. तो जो भी डिवीजन करने पर अमाउंट आएगा उनके कॉलम में लिख देंगे. अब यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक हुआ क्रेडिट, दूसरा हुआ डेबिट. डिफरेंस फाइंड करेंगे जिसको लिखेंगे नेट इफेक्ट. अगर टोटल डेबिट का ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे डेबिट होगा, और अगर टोटल क्रेडिट का ज़्यादा हुआ तो वो एंट्री में क्रेडिट होगा पार्टनर. इसी तरीके से सेकेंड पार्टनर और थर्ड पार्टनर का करेंगे, एंड देन एंट्री पास कर दिया जाएगा. नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर. 2017 में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसा हमने अभी डिस्कस किया इसके फॉर्मेट में.
पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है अभी दिया जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया 12% के अकॉर्डिंग कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है तो दो पार्टनर है पी एंड क्यू कॉलम बनाया एक टोटल फॉर्म का कॉलम हो गया पी की कैपिटल 2 लाख है 2 लाख का 12% 24,000 3 लाख का 12% 36 दोनों का टोटल 60 जैसे 60,000 अब दिया जाएगा जो पहले नहीं दिया गया था तो फॉर्म का लॉस बढ़ जाएगा और इसको लॉस को यहाँ लिखेंगे लॉस रुपीज़ 60,000 डेबिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो इक्वली डिवाइड करेंगे 30,000 नाउ आप देख सकते हैं ये क्रेडिट अमाउंट है क्रेडिट है और ये डेबिट है तो अब जो टोटल ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग पार्टनर डेबिट या क्रेडिट होगा तो यहाँ ध्यान देंगे डेबिट का टोटल पी का ज़्यादा है तो पी डेबिट हुआ 6,000 से सी का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट हुआ 6,000 से और इस तरीके से आगे हम एंट्री पास करेंगे जो कुछ इस प्रकार होगी यहाँ ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी तो पी डेबिट हुआ तो पी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज़ करेंट अकाउंट 6,000 and 6,000 दिस विल बी द वे ऑफ पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री नेक्स्ट आता है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और भी कई आइटम्स हैं जो छूट सकते हैं या जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट में अर्लियर टेकन नहीं किया गया तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन और ओमिटेड टू रिकॉर्ड तो यहाँ पर आप देखिए इन तीनों का ट्रीटमेंट एक साथ कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों को पहले माइनस करेंगे जो भी प्रॉफिट होगा उससे माइनस कर देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये टोटल क्रेडिट हुआ अब इसको देने से लॉस पड़ेगा या तो लॉस होगा या प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में बांटा होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा फिर डिफरेंस फाइंड करेंगे और इस तरीके से डेबिट क्रेडिट आ जाएगा और फिर फास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया जाएगा नाउ सी वन क्वेश्चन 2014 पर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया था जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया ए बी सी आर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2012 देयर कैपिटल स्टूड 5,250,250 रिस्पेक्टिवली एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सी वाज एंटाइटल टू ए सैलरी 5,000 पर मंथ ए वाज एंटाइटल फॉर ए कमीशन 80,000 पर एनम पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल तो कैपिटल के रेशियो में बटना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कैपिटल के रेशियो 5,00,000, 2,50,000, 2,50,000 तो रेशियो बना 2:1:1 में शेयर होना चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वॉज 3 लाख विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द अबव प्रोविजंस शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फर्स्ट वी विल सी द वर्किंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जो कि आता है 30,000, 50,000 and 15,000 6% था तो 5 लाख का 30,000 2,50,000 और टोटल हुआ ये फर्म का तीन पार्टनर है ए बी सी कॉलम बना लेंगे सैलरी सी को दिया जा रहा है तो सी के कॉलम में लिखेंगे 5,000 पर मंथ था तो 60,000 कमीशन पार्टनर को ए को दिया गया कमीशन टू ए है तो ए को दिया गया कमीशन यहाँ पे 80,000 टोटल आया इन तीनों का यहाँ टोटल कर लेंगे और ये टोटल होता है आपका 2 लाख रुपीज़ टोटल होता है यहाँ तक रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 3 लाख माइनस 2 लाख तो यहाँ पे 1 लाख का रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा इस 1 लाख की रिमेनिंग प्रॉफिट को यहाँ पे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 जो कि कैपिटल की रेशियो उसमें बांटेंगे तो 50,000, 25,000, 25,000 टोटल 1 लाख नेट क्रेडिट हो गया टोटल इनके ए बी सी के कॉलम में 160,000, 40,000 एंड 1 लाख टोटल हो गया 3 लाख
अब इन्होंने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था, पहले इक्वली बांट दिया था सभी पार्टनर को, तो सभी ने 1 लाख ले लिया था, अब डिफरेंस करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्रेडिट होना चाहिए 1,60,000, उन्होंने क्रेडिट किया था 1 लाख से पहले, पहले प्रॉफिट दिया था, इसका मतलब ए को कम दिया गया, तो ए को और दिया जाएगा, तो 60,000 मोर अमाउंट विल गिवन टू ए, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बी के लिए देखते हैं, बी को 40,000 मिलना चाहिए एज पर रूल, 40,000 और उसको मिल गया 1 लाख, ज़्यादा ले लिया है तो अब उससे वापस लिया जाएगा, मीन्स उसको डेबिट कर दिया जाएगा। सी के केस में देखते हैं, 1 लाख उसको मिलना चाहिए एज पर रूल और 1 लाख उसको मिला भी है, तो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री में सी नहीं आएगा। अब एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करेंगे उसमें बी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज़ कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन 60,000 से पास कर देंगे, तो दिस विल बी द वे ऑफ पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, इन 2005 क्वेश्चन पूछा गया, मालती पारो आरती आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:6:4 हैविंग फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल है ध्यान देंगे, एंट्री जो भी होगी करंट अकाउंट के थ्रू, तो 80,000, 40,000, 50,000 रिस्पेक्टिवली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड 10% पर एनम बट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देम 12% पर एनम, गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। पहले वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे, तीन पार्टनर हैं मालती पारो आरती और फर्म के लिए एक टोटल कॉलम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 10% देना था, दे दिया 12%, ज़्यादा दे दिया तो यहाँ 2% ज़्यादा दिया है, 2% जो ज़्यादा दिया है ये उनसे वापस लिया जाएगा, तो वापस लेना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस अलाउड मीन्स वापस लेने का मतलब उसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट करेंगे 2% डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, आप 10% फिर 12% कैलकुलेट ना करके डायरेक्टली 2% कैलकुलेट कीजिए, 2% होता है 80,000 का 1600, 40,000 का 800 और 50,000 का 1000, टोटल होता है 3400 इन तीनों पार्टनर से वापस लिया जाएगा। जैसे ही फॉर्म वापस लेगी तो फॉर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से 3400 से, इस 3400 को पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जब इसको शेयर करेंगे उनको प्रॉफिट मिलेगा तो ये उनके अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 7:6:4, तो 3400 इंटू 7/17 से डिवाइड कर दिया 200 आया, 200 इंटू 7 1400, 200 इंटू 6 1200, 200 इंटू 4 800, टोटल 3400 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को कंपेयर करेंगे, तो मालती के लिए देखिए डेबिट में उसको 1600 है और क्रेडिट 1400 है, तो मालती डेबिट हो जाएगी 200 से, पारो 800 डेबिट और 1200 क्रेडिट, तो 400 से क्रेडिट, आरती 1000 डेबिट और 800 क्रेडिट, तो आरती का डेबिट टोटल ज़्यादा है 200, तो इसको डेबिट कर दिया जाएगा और इस प्रकार हमारी एंट्री पास हो जाएगी। मालतीज करेंट अकाउंट डेबिट, आरतीज करेंट अकाउंट डेबिट टू पारोज करेंट अकाउंट 200, 200 एंड 400, दिस विल बी द एंट्री। अब यहाँ पे ध्यान देंगे करेंट अकाउंट क्यों आया, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, तो जब फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द वे ऑफ पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।